हाय एवरीवन आई एम सविता शर्मा एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सविता ट्यूटोरियल्स में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टडी करने का सही तरीका इग्नो एग्जाम्स में कौन सी बातें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और मतलब अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं और पास हो सकते हैं ठीक है तो इस तरीके को हम समझेंगे और इग्नो एग्जाम्स में सभी के लिए आ, काम करता है कोई भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया तो इसमें मैं आपको डी के एग्जाम्पल से बताऊँगी ठीक है डी और जो लास्ट वीडियो जा रहा था मैंने डी सी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन से आई होप आपने देखा होगा उसमें भी मैंने आपको स्टडी करने के आ, उसमें बताए थे कि किस तरह से आप अटैम्प्टेशंस रखें अपनी ठीक है अटैम्पटेशन्स अगर आप रखते हो पूरा पेपर अगर आप अटैम्प्ट करके आते हो अच्छे से क्वेश्चंस को कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ते नहीं हो एग्ज़ाम में तो आपके पास होने के मतलब पूरी चांसेज आप कोई भी डाउट मत रखे इस बात पर पास होने के लिए अगर आप अटैप्टेशन अपनी पूरी रखते आप no doubt आप हो आप नो डाउट आप डेफिनेटली पास होके आते हो तो अटैम्पटेशन रखने के लिए क्या जरूरी है कैसे आप अटैम्प्ट करोगे एग्जाम को ठीक है पूरे क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करोगे उसके लिए आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊँगी तो वीडियो पूरा देखें जो भी वीडियोज मैं अपलोड करती हूँ एग्जाम प्रिपरेशन से हैं आपके आपके लिए और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी एग्जाम प्रिपरेशन में तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं डी से और रिलेटेड और इग्नो से रिलेटेड दूसरे कोर्सेज़ के वीडियोस लाती रहती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप मतलब पेपर को आपने अटैम्प्ट करना है एक एग्जाम में तभी आप पास होंगे अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो पास होने के आपके चांसेस घट जाते हैं क्वेश्चन आपने छोड़ना ही नहीं है कोई डाउट मत रखना आपने क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है तो अटैम्प्ट करने के लिए क्या करेंगे आप वो मैं आपको बताऊँगी देखिए कोई भी क्वेश्चन आता है मान लो मैंने इसमें एक एग्जांपल uh, के लिए आपको चार पांच एक्सपेक्ट्स एस्पेक्ट्स बताए हैं एक ही क्वेश्चन के सिंगल क्वेश्चन के ठीक है यही मैंने आज का टॉपिक का नाम भी रखा है सी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन क्वेश्चन एक ही लेकिन उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लिख दिया है मैंने इसमें ठीक है तो देखिए एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से एग्जाम में पूछा पूरा पूरा मतलब डिफरेंट तरीके लिखे हैं मैंने इसमें और कुछ भी पूछा जा रहा है अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है उसके बारे में आपने कुछ भी पढ़ा है आप उसको लिख दो उस क्वेश्चन में ऐसे डाउट मत रखो कि पता नहीं अब ये सही होगा कि गलत होगा नो no, ऐसा नहीं सोचना आपने कि सही होगा कि गलत होगा आपने लिखना है बस जैसे कि मान लो मैं आपको जब तक एग्जाम्पल से समझाऊंगी नहीं आपको समझ नहीं आएगा कि बच्चों द्वारा दर्शाई गई व्यवहार संबंधी समस्याओं के कुछ कारण क्या है तो इसमें क्या मेन इम्पॉर्टेंट है व्यवहार संबंधी जो समस्याएं होती हैं ना बच्चों में वो तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा हो अब बच्चों का व्यवहार कब समस्या व्यवहार बन जाता है इस तरह से भी पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को और इसको बच्चे में व्यवहार संबंधी समस्या होने के कारण क्या होते हैं ठीक है, है वे कौन सी कसौटियां हैं जिनके आधार पर आप तय करेंगे कि बच्चे को व्यवहार संबंधी समस्या हैं वे कौन सी कसौटियां हैं इस तरह से व्यवहार संबंधी समस्या होने के क्या कारण हैं ठीक है व्यवहार संबंधी सिंप, सिंपल में दे दिए व्यवहार संबंधी समस्या होने के क्या कारण है या फिर व्यवहार संबंधी किन्हीं दो प्रकार की समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए और बताइए कि प्रत्येक मामले बच्चे की किस तरह से मदद किया जा सकता है मतलब इसमें दो प्रकार की व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं ना वो बता रही जैसे कि आक्रामक व्यवहार हो गया या फिर चोरी करने वाला व्यवहार हो गया मतलब जैसे कि जब आप ये ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना पूरा तो आपको इसके और मतलब डिफरेंट वो भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो इसके और डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं तो ये चार पांच लिखे हैं इसके और डिफ़रेंट एस्पेक्ट्स बन सकते हैं ठीक है तो किसी भी तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन को मेरा आ, कहने का ये मतलब है बिल्कुल क्लियर कि समस्या व्यवहार से रिलेटेड आपने अगर पढ़ा है तो आप उसको डाल दो उसमें जो भी आपने पढ़ा है कि समस्या व्यवहार सबसे पहले आपने जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन का यहाँ पर एक ही अब क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे लिखे हैं बट मैंने इसका आंसर तो एक ही लिखा है देखो तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया है कि समस्या व्यवहार क्या होता है कब हम उसको समस्या व्यवहार कहते हैं उसको आप एक्सप्लेन कर दो इसमें शुरू में उसके बाद समस्या व्यवहार को एक्सप्लेन कर दिया आपने या फिर व्यवहार किस तरह से हम कहेंगे कि समस्या व्यवहार बन गया है बच्चे का है ना उसके बाद हम उसके कारण बताएंगे कारण क्या क्या हो सकते हैं तो व्यवहार संबंधी समस्या को क्योंकि मेन तो इसमें कारण ही था ना तो कारण बता देंगे जैसे कि विकास प्रक्रिया के फलस्वरूप हुए परिवर्तन तो विकास जैसे बच्चे की विकास अवस्थाएं अलग अलग होती है तो विकास अवस्थाओं में अलग अलग जो है कठिनाइयां भी आती है अगर बच्चा उन कठिनाइयों को जो जो मतलब ज़्यादातर बच्चे होते हैं अधिकांश बच्चे होते हैं वो इन कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं सामान्य रूप से और निकल जाते हैं परंतु कुछ बच्चे होते हैं जो इनकी समस्याओं का सम, कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते और उनमें फिर भी जो है व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती चिड़चिड़ा हो जाता है गुस्सा आता है आक्रमक हो जाता है इस तरह की व्यवहार संबंधी समस्याएं उनमें देखी जा सकती है फिर कोई फिर या फिर किसी की किसी को चोरी करने की आदत पड़ जाती है ना किसी के नैतिक मूल्य से संबंधित हो जाते हैं व्यवहार होता है तो इस तरह से आप इसमें विकास प्रक्रिया के फलस्वरूप हुए परिवर्तन के कारण जो समस्या व्यवहार उत्पन्न होता है और एक परिवेश के कारण भी उत्पन्न होता है परिवेश तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है बच्चे के व्यवहार संबंधी उसमें ठीक है तो इसमें परिवेश में माता पिता का किस तरह से पालन पोषण कर रहे हैं माता पिता के खुद अपने मौल वैल्यूज़ क्या क्या है उनके मूल्य क्या क्या है किस मूल्य को फॉलो करते हैं माता पिता मान लो माता पिता बेईमान होंगे झूठ बोलते हैं बात बात पर है ना तो बच्चे भी उन्हीं गुणों को अपनाते हैं तो ये परिवेश है उनका जिस तरह से उनका पालन पोषण है उनके उनके पालन पोषण में अपनाए गए तरीके हैं उनका आस पास है आस पड़ोस है या फिर जो केंद्र वो जाते हैं वहाँ का माहौल किस तरह से है तो ये सारे परिवेशिक कारण है जो उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं इस तरह से फिर आपने निष्कर्ष देना है इस क्वेश्चन को किसी भी तो जब आपने ये पूरा डिटेल में बुक से पढ़ा होगा आपने तो इसमें आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बच्चों की मदद करने के लिए पूछा जाए कि आप क्या सलाह देंगे ठीक है तो आप बता सकते हैं कि बच्चे के व्यवहार का अवलोकन ध्यान से कर सकते हैं है ना उसको ध्यान से समझेंगे कि बच्चे क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उस हिसाब से उसकी हम पाठ्यचर्या निर्मित करेंगे लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि हाँ छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे कि आज इसके व्यवहार में ये चीज़ हमने सुधारनी है कल ये एकदम से जल्दी से हम उसको फोर्स नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम उसको उस तरह से हम उसके लिए करेंगे तो मतलब कुछ ये जब आपने क्लियर किया होगा ना समस्या व्यवहार को पढ़ा होगा तो आपको और डेफिनेटली आप स्टडी कर रहे हो तो आप तो पढ़ोगे ही तो जिस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है एग्जाम में उसके किसी भी एक्सपेक्ट को पूछा हो आप लिख के आओ ये मेरे कहने का मतलब है कि आप एग्जाम में बिल्कुल डाउट नहीं रखना आपने कि अब आप पता नहीं मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि कुछ और पढ़ा है नो अगर आपने व्यवहार समस्या व्यवहार से आपका क्वेश्चन आया है बच्चे के तो आपने जो पढ़ा है आप उसको लिख के आओ खाली मत क्वेश्चन को खाली मत छोड़ के आओ अटैम्प्ट पूरा करके आओ तो ये आपका एक न्यू एग्ज़ाम में आपका स्टडी करने का बेस्ट तरीका है आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा कोई भी डाउट्स हो गए तो आप मुझे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए सपोर्ट कीजिए थैंक यू